एक और बता रहा हूँ, जैन बारे ने जो ये जिया में ना आज वह फलानो सरपंच मारो आज जूझे मारो आज जूझे मारो है, यू रुपया तुम्हारे गांव के विकास को है और तुम बत ही निकालो जियागो, जैसे गांडे में ते रस निकाल लें छूच गिर दें, ऐसे ही तिहारे काम में बोट लेके ऐसे फेंक देंगे तुम्हें, फिर ना तुम तेरा अमरम कर रहे कितके बस रही, चल दें धारे कुर्ता पजामा ने पैर के मोछन में ताप देख जे निक जा रहे हैं सरपंच के, सरपंच बुला रहो है आज तो अपने जेब जमा रहो कल ली बोट होंथ खेम तुम्हें शार में कर देगो, वन कौन सो है अजीत कितके बस है फलानो नाम तक भूल जाएगो, वो तो ऐसा लगे कि अब के सोनगाम चंडीगढ़ बन तो लगे, अब तो कौन सी होटल बैठा है बता के बालक के वन दसे वन आ जाए यहाँ सिकन, और यूँ चल रो है कि 80% बच्चे इलेक्शन से ही बिगड़ते हैं, जो नई जो पीढ़ी है आप समझते होंगे 18, 20, 22 जो नई जो हमारी पीढ़ी है ये इलेक्शन में ही जो लगाए आज वह फलान वारो है वहाँ पर एक पीट धरवाएंगे और शाम घोटे चलेंगे सबरे और हम पीएंगे और हम खाएंगे, हालांकि 10-20 दिन महीना ही खड़ा दे इलेक्शन वाले, फिर उसके बाद उन प्रजा आदित तो उनके भीतर तो कन जो उत्पन्न है जाएँ कीटाणु डोलन लगें वे क्या करेंगे, फिर दारू तो मिलेगी ना चुनाव तो है लियो, फिर वे चोरी चकोरी करेंगे कभी इतने फलाने काम करे हो कहीं इंजन खोखला है कहीं ये करे कोई मतलब अगैरह वगैरह मतलब दारू को इंतजाम न करना कई तरीका दे भैया, नशाखोरी में युवा पीढ़ी मत ले जाओ और क्षेत्र के जो तुम विकास करने के लिए सोच रहे हो वह फ्यूचर है पहले ही ख़त्म कर रहे हो, पहले ही खा रहे हो पहले निकल रहे हो, वह फ्यूचर है क्यों, जो युवा पीढ़ी हमारी अगर निर्बल होगी तो हम कुछ काम नहीं कर सकते, हम अपने युवा ने नए साथी ने अगर नशाखोरी की ओर धकेल देंगे तो उनका भविष्य तो खराब हो गई साथ साथ उनके घर वालों को भी होगा और समाज को भी होगा और क्षेत्र को भी होगा और उर पास के उनको भी होगा, तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है जहाँ तक अंदाज है कि अगर आपने खर्च करना ही है तो गांव के विकास में क्षेत्र के विकास में रुपया खर्च करो वरना अपने घर बैठ जाओ। नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तिरछी बात में। जैसा कि आप लोग जानते हो मैं मास्टर अजीत सिंह तिरछी बात चैनल से एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम भैया राम राम भैया। अब चल रहा है इलेक्शन का दौर और इलेक्शन अपनी चरम सीमा पर है, बहुत सरपंच ठाड़े गांव में, बहुत ब्लॉक मेंबर ठाड़े, वार्ड मेंबर ठाड़े, जिला पार्षद ठाड़े और भैया उनमें तो एक मैं भी हूँ ब्लॉक में। मैं देख रहा हूँ आजकल चाहे कोई छोटो है चाहे कोई बड़ो है, भैया राम राम, काका राम राम, चाचा राम राम, छोटे तो लेकर बड़े तक लाइन लग दी है, वो तो ऐसा लगे कि अब कह सोनगाम चंडीगढ़ बन तो लगे जहाँ तक अंदाज है, क्यों इलेक्शन है जान दे आधे से तो मोहन तेरा बोलेंगे, इनकी देख राखी है सीताराम भी जैसी भी है, अब तो कौन से होटल बैठा है ना बता के बालक के वन दसे वन आ जाए यहाँ सिकन, और यूँ चल रो है छोटे छोटे से गांव भी एक एक डेढ़ डेढ़ करोड़ पर खर्चा पहुँच गई, जिन्हें पता कि इतनी ग्रांट मिलेगी ना गांव में जितना खर्चा है रो है, लेकिन लड़ाई मोछन की भैया जो बता दो 1 करोड़ रुपया छोटे से डाढ़ के या लोहना जैसे गांव में खर्च है रो है तो वहाँ तक कितना काम है जी विकास है जी खुद लगाओ अंदाज, आज वहाँ ने जमाए हैं कल वो जमा रो है परसों फिर 300 जमा रो है, लेकिन वैसे कोई वैल्यू ना खाएगी। एक और बता रहा हूँ जैन बारे ने जो ये जिया में ना आज वह फलानो सरपंच जमा रो आज यू जमा रो आज यू जमा रो है, यू रुपया तुम्हारे गांव के विकास को है और तुम पर ते ही निकालो जियागो, जैसे गांडे में ते रस निकाल लें छूचे गिर दें, ऐसे ही तिहारे काम में बोट लेके ऐसे फेंक देंगे तुम्हें, फिर ना तुम तेरा अमरम कर रहे कितके बस रही, चल दें धारे कुर्ता पजामा ने पैर के मोछन में ताप देख जे निक जा रहे हैं सरपंच के, सरपंच बुला रहो है आज तो अपने जेब जमा रहो कल ली बोट होंथ खेम तुम्हें शार में कर देगो, वन कौन सो है अजीत कितके बस है फलानो नाम तक भूल जाएगो, आज आज तू वहाँ कहीं बुला ले चाहे कोई आदमी छोटो गुजर जाइए जैसे कोई छोटो बड़ा गुजर भी जाएगा गाँव में सबरे पहुँचे, मतलब
फलाने के दाग में जा रहे हैं, नो कर रहे हैं। चलो ठीक है, दाग में जाना बढ़िया बात, मैं जाना कह रहा हूँ, जाना चाहिए, यू आदमी कानून की है। लेकिन कहीं पहुँचो, कोई प्रोग्राम हंसी करे वहाँ पहुँच रहे हैं, खुशी करे वहाँ पहुँच रहे हैं, और खाने में खवाने में पीछे ना हट रहे हैं, लेकिन विकास की बात कोई ना। अगर ऐसी हैं तो पहले चालू कर दो, गाँव में पतो है नल ना आ रहे, कई दिन तो ना आ रहे गाँव पतो है। बहुत से बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिनकी आज तक पेंशन ना बनी, और उनकी पेंशन ना बनवा रहे, क्यों ना कर रहे गौर भाई, वे ये काम सरपंच जी के अंदर आ रहे ना आ रहे, बन जाना जब करेंगे। अरे बड़े बड़े का हुआ है, मैं भी छाड़ दूँ ब्लॉक में, और मैं जो ना कह रहा हूँ, मैं इतनी बड़ाई मार रहा हूँ, ब्लॉक में जो काम होंगे दावे के साथ कह रहा हूँ, हिसाब से करूँगा और किसी को दबाव मानूंगा नहीं। बहुत से जो कहते हैं बाबा फाने के शिकायत में चल रहा हूँ, वाह कहे ठाड़ो है, मैं किसी के कह जाते ठाड़े ना हूँ, मैं अपनी बात ठाड़ी हूँ और मुझे चुनाव लड़ना है। सबसे मेन बात यूँ है, इलेक्शन के चक्कर में गाँव के भविष्य खराब कर रहे हैं। जब कोई 18 साल का बालक है तो 20 साल को नए नए बालक ने बस 10 बालक इकट्ठे है, जाओ होटल पर चलाओ, रोटी खाओ, दारू पियो, फलान क्यों मौज करो। भाई ये बात बताओ, आज तुम उन्हें बिगाड़ देंगे, उनकी आदत बन जाएगी सरकारी, ना तो गांव में विकास होगा, उल्टा बालकन की गति क्या होगी, खुद सोचो। हम जो रुपया लगा रहे हैं चुनाव में, वह रुपया की सेफ्टी करके वह उसमें लगाओ, गांव के विकास में कोई हेडपम्प लगाओ, या कोई प्लेग्राउंड में कुछ योगदान दो, बालकन खेलने की चीज़ लाओ। जब तो मैं मानूँ हाँ भाई चुनाव है रो है, लेकिन आज मैं होड़ कर लूँ, फलान बार इतने वन मिठाई बांट दिए, तीसरे ने जलेबी बांट दी, वन बार इमरती बांट दी, ये होड़ का बात की है क्या? ये रुपया निकलेगा ना निकलेगा हमारे जेब में थे, जा रुपया ये लगा रहे हैं कैंडिडेट, हालांकि सब पता हुआ है जा सीट पर कोई खड़े हुआ है, एक सीट मोहबारी पर जैसे 2 या 3 खड़े तो उनमें एक जीत रहे हैं, और तीनों टक्कर पर रुपया लगाने लगे, आज या नहीं कर दियो, फलाती तीसरे नहीं कर दियो, चौथे नहीं कर दियो, यार रुपया हमारे जेब से तुम्हारी जेब से निकाल जाएगा ना निकाल जाएगा पीछे। अगर तुम अपने समाज से भी बनाओ तो आज ही कान मंटा लगाओ, मत तो मतलब ये कि दारू का प्रचार करो। दूसरी बात, जब रुपया तुम दारू में नशाखोरी में वगैरह वगैरह में लगा रहे हो, वही रुपया इकट्ठो करके समाज सेवा में लगाओ, जाते गाँव का विकास हो, और जो भी कहें हाँ वह बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मेन यहीं से है कि 80% बच्चे इलेक्शन से ही बिगड़ते हैं, जो नई जो पीढ़ी है आप समझते हो 18, 20, 22 जो नई जो हमारी पीढ़ी है, ये इलेक्शन में ही जो लगाएं आज वह फलान वार है वहाँ पर एक पेट धरवाएंगे और शाम को होटल चलेंगे सबरे, और हम पियेंगे और हम खाएंगे। हालांकि 10-20 दिन महीना ही खड़ा दें इलेक्शन वाले, फिर उसके बाद उनने पड़ जाए आदत, तो उनके भीतर तो कन जो उत्पन्न है जाएँ कीटाणु डोलन लगें, वे क्या करेंगे फिर, दारू तो मिलेगी ना, चुनाव तो है लियो, फिर वे चोरी चकोरी करेंगे, कभी इत के फलाने काम करे हो, कहीं इंजन खोखलाए, कहीं ये करे, कोई मतलब अगैरह वगैरह, मतलब दारू को इंतजाम न करना का ही तरीका आते। तो भैया या मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने भी गांव बारे सुन रहे हैं उनते भी हाथ जोड़ के भाई गाँव में बचाओ, और बाहर जो वीडियो सुन रहे हैं दूसरे गाँव में बारे भी, यह बात हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, भैया नशाखोरी में युवा पीढ़ी मत ले जाओ। इस बात से इस इलेक्शन से ये समझ निकल के आ रही है, निचोड़ निकल के आ रहा है कि गांव के और क्षेत्र के जो तुम विकास करने के लिए सोच रहे हो वह फ्यूचर पहले ही ख़त्म कर रहे हो, पहले ही खा रहे हो, पहले निकल रहे हो, वह फ्यूचर है। क्यों? जो युवा पीढ़ी हमारी अगर निर्बल होगी तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। हम अपने युवा ने नए साथी ने अगर नशाखोरी की ओर धकेल देंगे तो उनका भविष्य तो खराब हो गई, साथ साथ उनके घर वालों को भी होगा, और समाज को भी होगा, और क्षेत्र को भी होगा, और उड़ पास के उनको भी होगा। तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जहाँ तक अंदाज है कि अगर आपने खर्च करना ही है तो गांव के विकास में क्षेत्र के विकास में रुपया खर्च करो, वरना अपने घर बैठ जाओ। या मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यू भी है, मैं भी गांव सोन से वार्ड नंबर 7-13 ब्लॉक समिति को वार्ड नंबर 20 से खड़ा हूँ उम्मीदवार, और मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि मैं तो नशा के बिल्कुल सख्त खिलाफ़ हूँ, और ना किसी प्रकार की नशा को मैं समर्थन करूँ, और जा भैया दीख है बल बात अपने हिसाब से ठीक है तो भैया वोट दे दीजिए, और मैं सेवा में आपके लिए तत्पर हूँ। इस यही बात मैं कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि भाई आज इतवार है और मैं जाके तिरछीवा चल पर थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ, लोगों को बताऊँ कि मैं भी ब्लॉक समिति में खड़ा हूँ वार्ड नंबर 7-13 में, और लोगों से मेरी यही अपील है कि मत तो किसी की दारू लियो, मत समर्थन करो पीने को, मत करो पिलाने को,
मत, नशा की ओर मतलब ये कदम बढ़ाओ मत ना, ताकि हम अपने समाज है, अपने बालकन ने अपने भविष्य बचा सकें। चार दना की आंधी में अपने भाईचारे खत्म मत करो, बब मेरे भाई उठाड़े हुए या संग चल दें, नहीं दबाव इधर उधर के आमें। हम आपने फिल्म देखी होगी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी दुश्मनी होती है फिल्म में, लेकिन शूटिंग जैसे ही बंद हो जाती है तो अभिनेता जो हीरो है और उसमें जो गुंडा का रोल कर रहा है वे आपस में हाथ मिला के चले। लेकिन आपने देखी होगी बड़े बड़े नेता जो विपक्ष वाले अपक्ष वाले वहीं बैठे हैं संसद में ही, लेकिन हमारी आपस में टंडी बाज जाएँ, लाठी खिंचा में मलबा तने यू बात क्यों ना करी, तो क्यों है जाएँ, क्यों हम चूतियाँ भैया, हम पागल हैं, हम जो कहें भाई यू हमारो मैं वाक वोट दे रहा हूँ वो वाक दे रहा हूँ, अरे भैया भैया लाठी बैठ जाए आपस में मूड वाते फूट जाएँ, फायदा उठा में वे और बैर राज है जा हमारे साल साल छः समझ में बोलचाल ना हो हमारी आपस में, मौज डारो दूसरो बीच में तफरी ले जाए, तो भैया वोट जहाँ देनी है अपनी आत्मा की वोट है वहीं दो, जो तुम्हारे मन में बस रहा है आत्मा में बस रहा है दिल में जो नेक है जो वोट को अधिकार है उसे दो, बोले हाँ मेरी वोट कहाँ जा रही है गड्ढे में जा रही वाम जा रही, अपने हिसाब से दो। यही बात कहने के मैं आया हूँ, अपने समाज है वोट तो आज पड़ जाएंगे, पाँच साल हमें यहीं रहना है, हमारे तालमेल यहीं शिकन रहेंगे और जैसे हैं हमारे वातावरण जाए वहाँ रहना है, अपने भाईचारे है ख़त्म मत करो, जगह जगह से खड़े हैं ये भाईचारे बिगाड़ने के आप खड़े हैं, नहीं तो निर्विरोध पंचायत है जा निर्विरोध किसी को समर्थन है जा तो उसमें सरकार अलग से भी अनुदान देती है, लेकिन यहाँ से कम तो काई की ना बिजली सब बड़े फिर रहे हैं, तो मेरी आपके हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि वोट जा जहाँ देनी है वहीं दो, लेकिन आपसी भाईचारे मत मिटाओ, अपने बैरदार ने मत बनाओ, फारे मत नापाओ कि भाई यहाँ तक मेरा सीमा और यहाँ तक तेरी सीमा, नहीं भैया हमें यहीं रहना है, इलेक्शन 22 या 25 तारीख के बाद वे भी यहीं रहेगा और हम भी यहीं रहेंगे, लेकिन जब हमारी आपस में रो रो रपो है जाएगा तो हमारे फारे बैठ जाएंगे, फिर ना बोल रहे कई साल तक, तो मेरी यही हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है कि नशाखोरी थे और अपने वाह फारे ने मत नापो, यही बात मैं बताने का आयो। और मेरे राखियों ध्यान ब्लॉक में भैया वार्ड नंबर 7-13 गाँव सौंद और ब्लॉक समिति का वार्ड नंबर है 20, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम।